दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी विदाउट चार्जेस। और दोस्तों, सबसे इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है कि ये वीडियो मैं अपने किसी व्यूवर की रिक्वेस्ट पर लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिए और एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक से मनी ट्रांसफर करने के लिए दो ऑप्शन है। आप दोनों ही ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर रखा है। दोस्तों, दो ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था, और दो ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप दो ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो या चाहे किसी भी बैंक आपके पर्सनल बैंक हो। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन तो ये UPI है और सेकेंड ऑप्शन है सेंड टू बैंक। दोनों ऑप्शन के बारे में एक बार आप देख लें। सेंड टू बैंक आप दोस्तों किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एक चीज़ दोस्तों याद रखना, जब भी आप सेंड टू बैंक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ चार्जेस लगेंगे ट्रांसफर में, वो अभी हम आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, सेकेंड UPI, दोस्तों UPI से आप ट्रांसफर उसी बैंक में कर सकते हैं जो UPI इनेबल है। जो UPI डिजेबल है अभी तक, उसमें आप UPI से ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट दोस्तों, UPI से ट्रांसफर करने में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप UPI से ट्रांसफर विदाउट चार्जेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे दोस्तों, मैंने अभी बोला था कि आपको कि कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करने के दो ऑप्शन है। एक तो आप UPI के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा सेंड टू बैंक ऑप्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह वीडियो बनाने से पहले मेरे को कुछ डाउट था कि UPI पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेप्ट करता है नहीं करता, उसी के रिगार्डिंग मैंने मॉर्निंग में ट्विटर पे पेटीएम पेमेंट बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि डस पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेप्ट UPI ट्रांजेक्शन, आई एम ट्रांसफरिंग सम मनी फ्रॉम एयरटेल इंडिया थ्रू UPI बट एवरी टाइम सो एरर टू फेल। और दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक का रिवर्ट आता है, हाँ वी आर नॉट लाइव ऑन UPI एट, इट विल बी लिस्टेड वंस वी आर लाइव ऑन UPI। तो जैसे दोस्तों आपने देखा कि अभी तक पेटीएम ने UPI ट्रांजेक्शन इनेबल नहीं किया, तो आप UPI से पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये मैंने प्रूफ इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनको पागल बनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपको मेरे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग में वीडियो वही मिलेगी जो आपके काम की होगी और जो 100% एक्यूरेट होगी। मैं फालतू वीडियो बनाने में यकीन नहीं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सेंड टू बैंक में जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप कैसे पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों, मैंने सेंड टू बैंक सेंड मनी यहाँ पर मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। सेंड टू बैंक में गया और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गया। दोस्तों, सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में देखते हैं कि कैसे ट्रांसफर करते हैं और मेक श्योर आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका आपका अकाउंट नंबर पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी आपने अकाउंट पेटीएम वॉलेट रजिस्टर्ड करा है वही आपका बाय डिफॉल्ट अकाउंट नंबर भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक में नाम है, और यहाँ पर मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ। तो बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक और दोस्तों यहाँ पर IFSC कोड है। दोस्तों, अगर मुझे IFSC कोड नहीं पता है तो आप यहां से सर्च IFSC कोड पे जाके, और दोस्तों यहां पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पेटीएम का जो मेन हेड ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में है। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो कि आप दिल्ली में पेटीएम पेमेंट बैंक देखे, या मेरे पास एक कल एक कमेंट आई थी जयपुर में देख रहे थे। तो दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक का एक ही ब्रांच है अभी तक, तो उत्तर प्रदेश में इसका ब्रांच है और डिस्ट्रिक्ट नोएडा और नोएडा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे IFSC कोड आ गया पेटीएम का, और जैसे आप ओके करेंगे बाय डिफॉल्ट आपका ही IFSC कोड ले लेगा। नाउ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या डालना है, अकाउंट नंबर। दोस्तों, आपका अकाउंट नंबर पेटीएम पेमेंट बैंक का याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको फिर बताता हूँ कि जो आपका पेटीएम वॉलेट का नंबर रजिस्टर्ड होगा वही बाय डिफॉल्ट पेटीएम पेमेंट बैंक का भी होता है। तो मैं फिलहाल दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में बेनिफिशियरी फोन नंबर। तो दोस्तों, जिस भी पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। तो दोस्तों, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आप अगर कोई कमेंट डालना चाहते हैं
यस हाय बटाई पर जो भी आप डालना चाहो डाल दो, कंपलसरी नहीं कि आपको डालना ही है। दूसरी ऑप्शन फिल करने के बाद आपको सिंपल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, और प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे जितने भी ट्रांसफर करना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों मैं 100 रुपये ट्रांसफर करता हूँ, और आपको यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप सेंड टू बैंक ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको चार्जेस लग सकता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज़ पे कन्वीनियंस चार्जेस 1 रुपये लग रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो देखते हैं कि क्या कन्वीनियंस, सॉरी 1000 इसमें है नहीं, मैं 400 कर देता हूँ तो यहाँ पे 2। तो दोस्तों इस तरीके से चार्जेस, अगर चार्जेस वगैरह आपके डाउट है तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जाके आप इसके हेल्प सेंटर में जाके आप देख ले, वहाँ पे चार्जेस गिवन है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे 100 ट्रांसफर करता हूँ और प्रोसीड बटन में क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपने प्रोसीड पे क्लिक करा, नेक्स्ट स्टेप खुलता है पेमेंट। तो जैसे ही दोस्तों अब मुझे अपना ट्रांसफर पेटीएम पेमेंट बैंक से करना, तो मुझे यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पेटीएम पेमेंट प्रोसीड पे क्लिक कर, सॉरी पेमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। जैसे ये देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली अमाउंट पेड एंड ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर शो कर देता है, डन। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि पेटीएम से भी मेरे पास मैसेज आएगा, डियर कस्टमर यू हैव रिसीव 100 रुपीज बाय IMPS इन योर सेविंग अकाउंट फ्रॉम रोहित कुमार। दोस्तों मैं बताता हूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक IMPS के थ्रू ट्रांसफर करता है, जिससे आपका पेमेंट हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये था पेटीएम एयरटेल बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी ट्रांसफर करने का। चलिए दोस्तों अब सेकेंड ऑप्शन पे, सेकेंड पार्ट आता है इस वीडियो में देखने का, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको साथ में ही बताऊंगा कि कैसे आप किसी और बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी और बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आप सेंड टू बैंक का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सेंड ये वाला ऑप्शन प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इस पर चार्जेस लगता है। दोस्तों अभी नया अपडेट आया है और एयरटेल पेमेंट बैंक ने UPI इनेबल करा है, आप UPI के थ्रू किस ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट चार्जेस। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है UPI में जाने के बाद, एक पे मनी और दूसरा रिक्वेस्ट मनी। तो दोस्तों मुझे पैसे ट्रांसफर करना है तो मैं पे मनी में जाऊँगा, और पे मनी में जाने के बाद दो ऑप्शन आता है दूसरा एक आता है BPA और दूसरा आता है अकाउंट नंबर पर IFSC। दोस्तों पहले मैं बताता हूँ VPA क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। दोस्तों अगर आपको आपका अकाउंट का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी UPI एड्रेस पता है तो आप ए ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर नहीं पता है तो आप अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दोनों ऑप्शन ही करके दिखाता हूं, मुझे BPA भी पता है और अकाउंट नंबर और IFSC दोनों ही चलते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले BPA से चलता हूं, और यहां पे मैं अपने अकाउंट का जो मेरा BPA एड्रेस है यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो डाल देता हूं। दोस्तों मैं अपना ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ट्रांसफर कर रहा हूं, पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज। दोस्तों ये मैंने अपना BPA एड्रेस डाल दिया बैंक का, और प्रोसीड बटन में क्लिक करूंगा। दोस्तों आफ्टर वैलिडेटिंग BPA अगेन आपको जितने भी ट्रांसफर करना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पे 10 रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूँ, और सिंपल आपको इस एरो बटन में क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का UPI पिन है, सॉरी MPIN है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपना UPI पिन और प्रोसीड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रोसीड करा, ऊपर आप मैसेज देख सकते हैं कि यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो गया, और साथ में मेरे जो ओरिजिनल बैंक ऑफ कॉमर्स है उसमें भी पैसे चले गए। तो चलिए दोस्तों मैं, और यहाँ पे आपका एक ट्रांजेक्शन सक्सेस का एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाता है। चलिए मैसेज मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही दोस्तों देख रहे हैं मैंने ओरिएंटल बैंक में करा है, ओरिएंटल बैंक में यहाँ पे 10 रुपये क्रेडिट हो गए, और यहाँ पे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक से भी क्रेडिट हो गया। तो दोस्तों ये था UPI के थ्रू आप जब आपके पास वर्चुअल एड्रेस है उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड में आते हैं अकाउंट नंबर प्लस IFSC, अगर आपको BPA नहीं पता तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट होल्डर नाम आप यहाँ पर डालना है, और अकाउंट नंबर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ, और बैंक ने मेरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, मुझे इसका IFSC कोड नहीं पता, तो सेम आप यहां पर सर्च कर सकते हैं
जो भी आपका स्टेट है। नाउ स्टेट में जाके आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैंने अपना ब्रांच भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड आ गया, मैंने यहाँ पे चला। नाउ सेंड नाउ पे क्लिक करना है आपने। और दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट सेंड करना है उस पर आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना और अगेन आपको यूपीआई सॉरी आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एमपिन है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने का प्रोसेसिंग पेमेंट आपका हो गया। तो दोस्तों मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यूपीआई पिन का ही यूपीआई ऑप्शन का यूज़ करें क्योंकि इसमें आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता। और दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अभी इन्होंने लाइव नहीं करा है बट फर्दर वो लाइव जरूर करेंगे क्योंकि यूपीआई पिन आजकल हर बैंक नेसेसरी यूज़ कर रहा है। जैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई अपना लेके आएगा मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करना ना भूले। और दोस्तों अगर आपके पास कोई सजेशन है या आपकी कोई दिक्कत आ रही है इस ट्रांजेक्शन को करने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए हर हफ्ते सैटरडे